दोस्तों अधिकतर लोगों का यह सवाल होता है कि हमें वर्कआउट के पहले प्री वर्कआउट मील में कौन से सोर्स वाले फूड लेने चाहिए। देखिए आपको प्रोटीन सोर्स वाले फूड नहीं लेना है, फैट वाले सोर्स वाले फूड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि प्रोटीन और फैट वाले जो फूड होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन होने में, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में काफ़ी टाइम लगता है। आपके लिए बेस्ट सोर्स फूड होगा कार्ब्स वाले। अब कार्ब्स में भी देखिए, याद रखिए कार्ब्स जो होते हैं सिंपल कार्ब्स वाले, यदि बात करें हम लोग शुगर, तो उससे होता ये है कि वो जल्दी ब्रेक डाउन होता है, बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, जल्दी एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, बट जल्दी ही वह आपकी बॉडी में ड्रॉप भी हो जाता, मतलब आपको एनर्जी देर तक प्रोवाइड नहीं करते। तो आपको शुगर वाले आइटम से एनर्जी नहीं लेना है, आपको लेना कहाँ पर है? कॉम्प्लेक्स कार्ब से, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कार्ब हो या फिर मॉडरेट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाले फूड हो, उससे आपको एनर्जी लेना है। वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होंगे, ग्लूकोज आपकी बॉडी को काफ़ी देर तक प्रोवाइड कर। तो हमें क्या लेना चाहिए प्री वर्कआउट मील में? देखिए सबसे बेस्ट जो है प्री वर्कआउट मील वह होती है फ्रूट। आपको फ्रूट्स जो है वह प्री वर्कआउट मील में इंटेक करना चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर वन फ्रूट में आपको सेब लेना चाहिए। तो सेब को दोस्तों आप लोग अपनी प्री वर्कआउट मील में ऐड कर सकते हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें वीडियो को, जिससे बाकी लोग भी इसके बारे में जान पाएं।